अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियोस में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 22 भावलपुर में जो जो सीट्स आई हुई हैं उसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो उसमें अप्लाई करने के तरीके को जानने के लिए मेरी वीडियोस को पूरा पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो 22 भावलपुर में सीट्स आई हुई हैं पेपर सेटर की, इन्विजिलेटर्स की हैं, तो उसमें कैसे अप्लाई करना है उसका मुकम्मल तरीका मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे लिखना है jobs.lr.pk। jobs.lr.pk लिखने के बाद आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। जब आप इंटर करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको तमाम तर जो साइट्स सीट्स वगैरह जो वैकेंसीज वगैरह होती है यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो आप खुद भी यहाँ अपने मोबाइल या लैपटॉप या PC से खुद भी चेक कर सकते हैं और अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि 22 भावलपुर में जो सीट्स आई हैं वो कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है 9 अगस्त 2023, आज ही ये सीट्स इशू हुई हैं। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसके नीचे स्क्रॉल कर देना है तो यहाँ पर उसकी डिटेल लिखी हुई है। जो जो ऑफर सैलरी है उसकी है 40,000 से 60,000। एज मांग रहे हैं वो 40 से 85 ईयर मांग रहे हैं और जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी वो स्किल लेवल पूछ रहा है, वो स्किल लेवल्स में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जो डेजिग्नेशन है वो कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइज़र की है। उसमें जो लास्ट अपडेटेड जो आई हुई है ये सीट्स आज ही इशू हुई हैं और इसकी लास्ट डेट जो है ना 20 अगस्त है, मतलब कि 10 दिन रहते हैं आपके पास। तो इसमें जो जो सीट्स हैं उसमें पेपर सेटर है, हेड एग्जामिनर है, क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर है, सब एग्जामिनर है, सुपर चेक कम असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर है, सुपरवाइजर फॉर मार्केटिंग सेंटर है, चीफ सेक्रेसी ऑफिसर है, डिप्टी चीफ सेक्रेसी ऑफिसर है, उसके बाद सेक्रेसी ऑफिसर है। तो उसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है, उसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उनके ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, आपने इस एडवर्टाइजमेंट को देख लेना है। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने इसे कम्प्लीटली पढ़ लेना है। इसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जैसे पेपर सेटर है उसमें गवर्नमेंट इदारा जात, कॉलेज स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल आगे सर्वेक्राम होने चाहिए जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए उनका जो पोर्टल है उसने पोर्टल में आके नहीं जाके अप्लाई करना है। तो ये उसको तो तमाम तर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है आपके पास, आपने इसको कम्प्लीटली पढ़ लेना। और किसी भी सीट्स पे अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप उस सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अप्लाई के लिए जो है ना वो मेथड कैसे करना है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द बोर्ड वेबसाइट सच एज 22DG। इसमें अप्लाई करने के लिए हमने 22 बहावलपुर विजिट करना है। तो आइए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे www.22bhavalpur, इसको हमें इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ इनकी वेबसाइट ओपन हो जानी है, जैसे कि ये मिल गई है 22bhavalpur, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो इसके ओपन होने के बाद हमने जॉब्स ये कैरियर्स इसमें से किसी एक पे जाके हमें ओपन कर लेना है। कैरियर और जॉब सेम होती हैं, किसी वेबसाइट पे कैरियर लिखा होता है, किसी वेबसाइट पे जॉब्स लिखा होता है। तो जैसे ये हमारी वेबसाइट ओपन होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने जॉब्स पे जाके जो जो सीट्स दी गई हैं उसमें आपने अप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर मार्केट स्टाफ एनुअल एग्जामिनेशन 2024, उनका फर्स्ट फॉर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो इसको आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन अप्लाई, तो वो मुझसे मांग रहा है कि एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे हमने लिख देना है विजिट एनी वे, आपके लैपटॉप में नहीं आनी क्योंकि मेरे पे प्राइवेसी लगी हुई, इस वजह से ये हमारे पास ऑप्शन है। अदरवाइज आपके पास मोबाइल में या PC या लैपटॉप में होगा तो उस पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया है 22 भावलपुर का। तो ये लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाई फॉर, आपने किस पोस्ट पे अप्लाई करनी है। तो पोस्ट अप्लाई फॉर करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट कर देनी है। यहाँ पे 5 सीट्स दी हुई हैं, सुपर चेकर है,
उसके बाद सुपरवाइजर मार्केट मार्किंग है, उसके बाद चीफ सेक्रेसरी ऑफिसर है, डिप्टी चीफ सेक्रेसरी ऑफिसर है, सेक्रेसरी ऑफिसर है। इसमें जिस शीट्स पे भी आपने अप्लाई करनी है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। मिसाल के तौर पर अगर मैं करने जा रहा हूँ सुपरवाइजर मार्किंग में, तो यहाँ पे आपने अपना CNE से नंबर लिख लेना है। ये हमने CNE नंबर लिख दिया। ये CNE से लिखने के बाद वो कहते हैं कि कन्फर्म CNE से नंबर, क्या आप ये कन्फर्म कर रहे हैं कि आपने जो ऊपर CNE से डाला है वो सही है। आपने दोबारा से अपने CNE पे दे के यहाँ पे दोबारा से वो फिट कर देना है। फिट करने के बाद ये वहाँ पे मांग रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस बताएं, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस बता देना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है, जैसा कि ये ईमेल मेरा है तो मैं अपना यहाँ पे ईमेल पुट कर रहा हूँ। ईमेल पुट करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि अपना फ़ोन नंबर दें, तो यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। ये हमारा फ़ोन नंबर आ गया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। आपने मेरे CNSE के मुताबिक यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो इसमें फर्स्ट मंथ होगा, दूसरा फर्स्ट डेट होगी, दूसरा मंथ होगा, उसके बाद ईयर आ जाएगा। तो उसके बाद पूछ रहे कि जेंडर, आप अप्लाई जो करने जा रहे हैं मेल भी इसमें कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। तो अगर मेल कर रहे तो मेल पे सिलेक्ट करेगा, अगर फीमेल करी तो फीमेल पे सिलेक्ट करेगी। तो क्योंकि यहाँ पे मेल है तो मेल पे अप्लाई करें, इस वजह से हमने यहाँ पे मेल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि अपलोड योर रिसेंट पिक्चर यहाँ पे, तो हमने चूज़ फाइल करना है, हमने पिक्चर अपलोड करनी है। तो इसमें से हमने कोई भी अप्लाई, ये हमने जैसे कि अपलोड कर दी, जैसे कि ये हमारी पिक्चर अपलोड हो गई। अगर आपने मोबाइल में ओपन करना है ये पिक्चर, आप मोबाइल के साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गैलरी ओपन में आपने जिस जगह पर अपनी पिक्चर सेव की होगी तो वहाँ से आपने सेलेक्ट, जस्ट यहाँ पे आके सेलेक्ट कर देना, आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो अपने ये पिक्चर अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। उसके बाद ये हमने यहाँ पे करना है सबमिट। ये तुम्हारा डाटा पूरा फिलअप हो चुका है, इसको फिलअप करने के बाद हमने करना है सबमिट। तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं वो कहते हैं कि इमेज एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 40 KB। वो कह रहा है कि आपकी जो इमेज होनी चाहिए मैक्सिमम, जो मैक्सिमम 41 KB होनी चाहिए। तो इसको हमने कम कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऑनलाइन जाकर भी साइज़ कम कर सकते हैं, जैसे ये रिसाइज इमेज बिलो 30 KB। तो जिस जिस KB में आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला आ गया कंप्रेस JPEG इमेज जो 30 KB, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद जैसे कि ये फॉर्म ओपन हो गया है, इस पर लिखा है चूज़ फाइल, तो हमने यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है। मिसाल के तौर पर अगर हमने ये अपलोड करनी है, जैसे कि अब मैं अपनी, जैसे कि ये मल्लिक है, इस पर हमने इसको अपलोड करना है। यहाँ पे हमें जस्ट कंप्रेस नो पे क्लिक करने के बाद इसको हमने डाउनलोड कर देना है। यहाँ पे आपको आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड होगी हमारी पिक्चर। इसके बाद हमने फिर अपनी अप्लाई पे आ जाना है, यहाँ पे आके हमने वो अपलोड कर देनी है जो हमने रिसाइज की है। तो जैसे कि ये हमारी रिसाइज पिक्चर आ गई, इसके बाद हमने सबमिट करना है। जी देखिए, सबमिट करने के बाद हमारा दूसरा फॉर्म ओपन हो गया। तो जैसे कि हम सुपरवाइजर मार्केट में अप्लाई करें तो उसका जो BPS है 17 है, और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पर 16 ईयर्स आपकी एजुकेशन हो, FSC के बाद 4 ईयर प्रोग्राम्स हो, या BSc MSc हो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम, आप किस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, मैट्रिक वालों के लिए कर रहे हैं या FSC लेवल पे कर रहे हैं। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आप मैट्रिक की सुपरवाइजिंग करनी है या FSC की सुपरवाइजिंग करनी है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद नीचे आपने फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद जी, जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ डाली थी तो उसकी ये हमारी डेट ऑफ बर्थ बन गई, 24 ईयर 7 मंथ 19 दिन। तो क्लोजिंग डेट है 20 दिन, इस वजह से हमारी ये उम्र भी बन रही है। इसके बाद जी वो हमारा रिलीजन पूछ रहे हैं, हम मुस्लिम हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस वो ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद हमारा नेशनैलिटी हमसे पूछ रहा है। नेशनैलिटी के बाद वो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो हमने जैसे कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बावल नगर वाले भी कर सकते हैं, बावलपुर वाले भी कर सकते हैं, और रहीम यार खां वाले भी कर सकते हैं। उनका जो डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, इन तीनों में से होना चाहिए। तो ये जैसे बावलपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया।
उसके बाद जी हमने पिटीशन नंबर देना है। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो टीचर होने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करें, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद अगर आप कोई कोई टीचर मौजूद होता है, अगर वो मौजूद है तो ये यस करेगा, अदरवाइज नो कर देगा। नो करने के बाद ये पूछ रहे हैं हमारा पोस्टल या स्कूल एड्रेस, जिसमें टीचर जिस स्कूल में वो ड्यूटी दे रहा है उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि वो हाजिर सर्विस है, इस वजह से उसने अपने स्कूल का एड्रेस लिख देना है या कोई पोस्टल एड्रेस है वो लिख देना है। मिसाल के तौर पर ये मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भावलपुर, आपने कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे जी डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं हमसे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, भावलपुर है हमारा। उसके बाद जी हमारी भावलपुर की जो तहसील आती है, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है तहसील, हमारी तहसील जैसे है, ये सारी तहसील दी हुई है हमारी अहमदपुर ईस्ट होगी जैसे है। उसके बाद पूछ रहे हैं अप्लाई करने वाला मेरिड है क्या अनमेरिड है, तो हमने वो बता देना। उसके बाद कहते हैं कि प्रोवाइड योर सर्विस डिटेल, आप हमें सर्विस डिटेल बताएं, तो हमने बताना रिटायर्ड है, इन सर्विस है, नो जॉब है, तो हमने तीन कैटेगरी में बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें अप्लाई करने वाले रिटायर्ड भी कर सकते हैं, इन सर्विस भी कर सकते हैं, अगर कोई किसी की जॉब नहीं है तो वो भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि जॉब ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इन सर्विस हैं तो यहाँ पे इन सर्विस हमें सिलेक्ट कर देनी है। तो उसके बाद पोस्ट हैं जो EST, तो ये हमारी पोस्ट नेम है। उसके बाद उसका स्केल क्या है, 11वां 12वां 13वां 14वां, जो आपका स्केल है वही बताना है। रिटायरमेंट डेट यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं की क्योंकि हम इन सर्विस हैं, तो इसको हमने छोड़ देना। उसके बाद ये आता है प्रोवाइड योर बैंक डिटेल, अपने बैंक अकाउंट नंबर बताएं, जैसे UBL हो गया हमारा बैंक कोड, उसका ये कोड हो गया, अपने कोड के मुताबिक वो बताना है। उसके बाद जी हमारा ये बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट करने के बाद हमारा जो नेशनल टैक्स नंबर होता है तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जी पूछ रहे हैं हमसे कि एकेडमिक इंफॉर्मेशन बताएं आप, ये एकेडमिक इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैरिट लिखनी है, मैट्रिक से शुरू करनी है, मैट्रिक से अबव जितनी है हमने वो लिखती जानी है, मैट्रिक साइंस होगी। उसके बाद जी हमसे पूछ रहे हैं कि मैट्रिक साइंस में सब्जेक्ट्स उसके क्या क्या थे, तो इसमें हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, उसके बाद जी फिजिक्स भी होती है, हमने फिजिक्स, जी फिजिक्स होगी हमारी, उसके बाद उर्दू होगी हमारी, तो इसमें से जो जो भी है हमने वो सिलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जी हमारा, तो ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट तो हुए पड़े हैं, लाजमी नहीं के ऊपर आपके पास शो होने हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट पे चले जाना है। अब आते हैं पासिंग ईयर, हमारी मैट्रिक का पासिंग ईयर क्या है, जैसे कि 2010 से तो 2000 लिखना है, आपने अपना लिख लेना है। उसके बाद 2008 में आपके मैट्रिक में नंबर कितने थे वो लिखने हैं, टोटल नंबर कितने थे वो लिखने हैं। उसके बाद आपका ग्रेड क्या है, ABCD जो भी आपका ग्रेड है वो आपके रिजल्ट कार्ड पे दिया उन्होंने, तो वहाँ से आपने वो ग्रेड बता देना है। अगर 60% है तो आपने ए ग्रेड डालना है, अगर उससे कम है तो बी ग्रेड डालना है, उससे 40% से कम है तो आपने सी या डी में चले जाना है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट यूनियन, उसके बाद जो हमारा बोर्ड है वो है जैसे 22 भागलपुर। तो यहाँ पे हमने ऐड कर देना है, यहाँ ऐड करने के बाद जी इधर हमारा ऑप्शन आ गया एकेडमिक रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, हमारा मैट्रिक का रिकॉर्ड ऐड हो गया। उसके बाद हमने ऐड करना है FSC का, ये देखिए FSC हो गई हमने, FSC मेडिकल है, प्री मेडिकल है, ICS है, FA वो यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं मेडिकल में वो लिख लेना है, जैसे कि हमारी बायो होगी, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगी, यहाँ पे हमारी फिजिक्स होगी, और इसके बाद ये हमारी बायोलॉजी होगी, ये केमिस्ट्री होगी, ये बायोलॉजी, ये बायोलॉजी होगी, हमने तीन मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद हमारा पासिंग ईयर क्या है, तो पासिंग ईयर हमारा 2012 है वो लिखना है, आपने अपने मुताबिक लिखना है। उसके बाद ये 710 नंबर हैं, उसके बाद ये टोटल मार्क्स हमारे 70 हैं। उसके बाद ये आ जाता है ये ग्रेड, ग्रेड क्या है, ग्रेड हमारा ए ग्रेड है, उसके बाद डिवीजन हमारी फर्स्ट आ रही है, बोर्ड जो है हमारा 22 भागलपुर है। इसको फिलअप करने के बाद आपने यहाँ पर जस्ट ये लिखा हुआ है ऐड, तो ऐड पे क्लिक कर देंगे आप, ये देखिए सी एकेडमिक रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, तो ये देखें ये हमारे मैट्रिक्स FSC जो है ना वो रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, अगर कोई गलती से आपसे ऐड हो जाती है तो यहाँ पे जस्ट आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आप दोबारा से इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमने ऐड करना है, अगर आपकी
मास्टर या बैचलर 4 ईयर्स है तो इसमें सेलेक्ट करना है। अगर BSc है, MSc है, तो आपने वैसे सेलेक्ट करनी है, या तमाम कैटेगरी दी हुई है। जैसे कि हमारी FSc के बाद BS है, तो हमने यहाँ 16 ईयर्स पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारा BS किस में है, जैसे कि BS इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश लिख देना है। उसके बाद जी हमारी बेसिक जो है ना, तो ओबियसली इंग्लिश ही होनी है इसमें, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है जी। ये हमारी इंग्लिश हो गई। उसके बाद ये हमारा पासिंग ईयर क्या था, तो ये हमारा 2018 पासिंग ईयर हो गया। उसके बाद जी ऑब्टेंड मार्क्स कितने हैं, साल के तौर पर हमारे 1900 हैं, टोटल हमारे हो गए 2800। उसके बाद जी हमने ग्रेड बताना है, ए प्लस आ रहा है या ए ग्रेड आ रहा है वो बताना है, और डिवीजन फर्स्ट है या सेकेंड वो बतानी है, और उसमें आपने यूनिवर्सिटी का नेम बताना है। ये भी लिखने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है इसको भी। ये देखें सी एकेडमी रिकॉर्ड सक्सेसफुली, हमारे तीनों जो डिग्रीज थी वो ऐड अप हो चुकी हैं। उसके बाद जो पूछना है हमारा एक्सपीरियंस लेवल, कोई अगर हमारी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस है तो हमने यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पर हम गवर्नमेंट टीचर हैं, तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट टीचर लिखना है। यहाँ पे नेचर आवर क्या टीचिंग है हमारी, कब से हमारी जॉब स्टार्ट हुई थी, मतलब कि जब कब से, जब से हमारी जॉब स्टार्ट हुई है, तो हमने वहाँ से यहाँ लिख लेना है 1/10/2019, 2019 1/1/2019, तो 2 बताना है आपने, मिसाल के तौर पर 1/1/2023, तो आपने अपने मुताबिक जो एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद इसको आपने ऐड कर देना है। तो जैसा कि ये हमारा एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया, मैंने एक ऐड किया, आपके जितने भी एक्सपीरियंस वगैरह हैं आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। उसके बाद ये आपने सारे प्रोफार्मा जो ये फिलअप किया हमने, इसको रीड आउट कर लेना है। कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई फ़ोन नंबर पे, ईमेल पे, स्पेशली आपने नेम, फादर नेम, CNC नंबर, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल हो गया, इसको आपने करेक्शन कर लेनी है, रीड आउट कर लेना है। उसके बाद जी आपने सबमिट कर देना है बस। तो सबमिट करने के बाद ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, हमें एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। ये हमारा नेम था, ये फादर नेम था, ये हमारा CNC नंबर था, ये जिस पोस्ट में हमने अप्लाई की वो है। उसके बाद हमें ये जो एप्लीकेशन सबमिट किया है, ये उसका फॉर्म निकल आना है। तो जैसा कि हमारी एप्लीकेशन कम्प्लीट हो गई है, और ये हमें प्रोफार्मा जो अप्लाई किया था हमने, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी हमें मिल गया है। इसको आपने अपने मोबाइल में सेव एज PDF कर लेना है। अगर कंप्यूटर शॉप पर से कर रहे हैं तो आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है, या आपने इसको PDF में अपने व्हाट्सएप पे सेव करा लेना है। मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को विज़िट करें, और मेरे चैनल को बराए मेहरबानी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।